जब भी समाचार जब हम सुनते हैं तो और न्यूज़ में भी आजकल एक मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जो कहते हैं ना कि हम किसको फॉलो करते हैं, हमारे हीरो कौन हैं। तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि मीडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें या ऐसे लोगों को ज़्यादा कंटिन्यूअस दिया जाता है या प्लेटफॉर्म दिया जाता है, या वो अगर आप मीडिया में इन सब लोगों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय दिया जाता है, चाहे वो इनके डिबेट्स में दिया जाए या उनके बारे में बताने के लिए। अब क्या होता है ना, जैसा समाज का जो बनने का तरीका है, एक तो समाज बनता है उस हिसाब से वो सारी चीज़ें टीवी में चाहे वो किसी भी तरीके से आती है, चाहे वो सिनेमा माध्यम हो सकता है या टीवी पे सीरियल्स माध्यम हो सकते हैं या समाचार भी आजकल एक माध्यम है। और दूसरा ये है कि हम अपने समाज को बनाना भी कैसा चाहते हैं, उसका भी एक तरीका होता है कि हम समाज को आखिर बनाना कैसा चाहते हैं। अगर आज की जनरेशन, आज के जो बच्चे लगातार सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हर चीज़ को वो देखते हैं, और वही चीज़ क्या होता है, धीरे धीरे सबके दिमाग में बैठता है। आप हम जो बच्चे हैं सारे लोग इसी को फिर कहीं ना कहीं डेली, अगर यही चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है, जब भी आप मोबाइल खोलते हैं, जरा सा भी किसी जो गूगल पे आप जाते हैं तो तुरंत आपको ऐसे केसेस आपको दिखने शुरू हो जाते हैं जो आप ना भी देखना चाहे तो भी आपको वो दिखता है। टीवी में जैसे ही आप समाचार सुनेंगे तो आपको ज़रूर उनके बाइट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अब इसी में एक जो आजकल बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मुद्दा चल रहा है, ये आर्यन केस का, कि जो ड्रग्स का उस केस में पकड़ा गया है। अगर आप उसको देखेंगे, जब से पकड़ा गया है 1 महीना में, और मीडिया में अगर उसका कवरेज आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा कवरेज है। एवरी डे हर सारे न्यूज़ चैनल्स पे आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हर घंटे ही उस पे कुछ ना कुछ या तो ब्रेकिंग चलता है या नीचे जो स्लाइड एक बनी जो चलती रहती है उसमें भी वो लगातार रोल होता है, फिर उस पे डिबेट होते रहते हैं। इतना ज़्यादा चलता है कि मैं अभी सोच रहा था कि यार इन सब को दिखा के मतलब हम अपने देश की जनरेशन्स को, अपने यूथ को मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे जो मॉडल, हमारे जो हीरो होने चाहिए वो ज़्यादा ये दिखने चाहिए, जिससे कि हमारी भी मानसिकता उनके जैसी बने, ना कि इन जैसों की मानसिकता बने। क्या मीडिया के लिए कोई मतलब खुद का एक सेल्फ एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि आखिर हम कैसे लोगों को दिखाते हैं और क्यों दिखाते हैं, उनकी क्या अचीवमेंट है, उन्होंने क्या ऐसा समाज के लिए किया है जिसके कारण कि उनको उनको ज़्यादा कवरेज देनी चाहिए। अब किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा आसानी तरीके से मतलब उसको इस तरह से एक सहानुभूति भी दे दिया जाता है और इस तरह से मतलब उनको पेश कर दिया जाता है कि मतलब जनता एक तो कंफ्यूज भी हो जाती है, और लगातार अगर वही व्यक्ति डेली आपको दिखेगा दिखेगा तो जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट जग जाता है। अगर डेली आप अगर ऐसे व्यक्ति को सुनोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा कि यार अगर इतना किसी को दिखाया जा रहा है तो आखिर है क्या, ये कौन है। अब अगर मोटे तौर पे देखें तो आज तक तो मैंने कभी ऐसी कोई इनकी अचीवमेंट देखी नहीं या सुनी नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो टीवी पे ही दिखा दिया जाता। केवल एक अचीवमेंट है कि हाँ भाई एक सुपरस्टार शाहरुख खान है, उनके वो बेटे हैं, ये तो केवल एक अचीवमेंट हो नहीं सकती, इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है। अच्छा, हम उसको दिखा भी किस केस के लिए रहे, तो भाई वो ड्रग्स का सेवन करने के लिए पार्टी में गया था या उससे ड्रग्स मिली, जो भी वट एवर, उस पर तो अभी केस चल रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्यों हम बार बार टीवी में दिखाते हैं यार, ऐसे लोग तो बहुत पकड़े जा रहे हैं तो हम तो उनको टीवी पे दिखाते नहीं। केवल क्या है, वो एक व्यक्ति किसी सुपरस्टार का बच्चा है इसलिए हम उसको दिखा रहे हैं, अरे वो हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता।
बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा तो दिखा नहीं सकते, गलत दिशा ही दिखा सकते हैं। तो मेरी मीडिया से अपील है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आप टीवी पे एवरी डे मत दिखाएं कि कल होगी कोर्ट में सुनवाई, ब्रेकिंग न्यूज़, परसों है सुनवाई, जमानत के लिए ये, इतने बड़े वकील आ गए, इतने ये आ गए। अरे क्या होगा ये सब सुन के? लोग आपसे कुछ एक अच्छी चीज़ सुनना चाहते हैं। इन लोगों को आप सुना के डेली जनता को, आम जनता को, इसको सुन सुन के और बोरी होती है। इसके बजाय वैसे व्यक्ति जिन्होंने लाइफ में और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अचीव किया है, उनका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है, देश के लिए कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है कि नीरज चोपड़ा जी ने जो गोल्ड मेडल जीता है, मुझे लगता है उनकी भी इतनी मीडिया कवरेज नहीं हुई होगी जितनी मीडिया कवरेज इसकी हो गई है। इसके अलावा इतने बड़े बड़े हमारे ओलंपिक पदक विजेता थे, चाहे वो बजरंग पुनिया है, मीराबाई चानू है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी है। इन सबों का अगर नाम किसी से पूछा जाए तो आधे लोग तो भूल चुके होंगे, क्योंकि उनको जिस समय उन्होंने जीता उसके बाद तो उनको जैसे भुला दिया गया, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं चलता। अब देखो, अब जो लोग हैं ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा सुन रहे हैं, उनके दिमाग में ये ज़्यादा स्ट्राइक कर रहा है। और जो समाज के लिए, देश के लिए जिसका एक कंट्रीब्यूशन था, जो देश के मान सम्मान को जिन्होंने बढ़ाया, जो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए, हमें उनके बारे में जानना चाहिए कि भाई उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो किस तरह से मेहनत करते हैं, और उससे प्रेरणा लेकर आज का यूथ कुछ समाज के लिए कर सकेगा और ख़ुद के लिए भी कर सकेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि ठीक है सब लोग क्या कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए नहीं कर रहे, यार खुद के लिए भी अगर कोई अच्छा बनना चाहे तो जाहिर सी बात है हम इन जैसे लोगों को फॉलो करके कुछ बनना चाहेंगे, ना कि इनको फॉलो करके कुछ ऐसी दिशा में जाना चाहेंगे। लेकिन एक मीडिया का जो रोल है, जिसमें कि इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर्स को जिस तरह से हीरो एक तरह से बना दिया जाता है, मतलब डेली अगर ये दिखा के, वो ऐसा लगने लगता है कि ड्रग्स भी नहीं, उसने अमृत सेवन किया है, और जो बेचारा इतना अच्छा अच्छा काम भी किया है उसको तो ऐसे गायब कर दिया गया कि बस। तो हम समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, कैसे लोगों को फॉलो करने के लिए हम संदेश दे रहे हैं, कैसे लोगों को रोल मॉडल बनाया जाए? हम वैसे लोगों को बिल्कुल ही एकदम साइडलाइन कर देते हैं, ये गलत बात है। आप यार जो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं उनको आप ज़्यादा दिखाओ ना, हम जो भी है लोग उनको देखेंगे और उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, उनसे सीखेंगे। नीरज चोपड़ा अगर आज इन्होंने इतना मुकाम हासिल किया तो उसके पीछे उनकी मेहनत क्या थी, उनके परिवार ने क्या सेक्रीफाइस किया, क्या एक कंट्रीब्यूशन उनका रहा, वो देश को, समाज को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं उनसे हम प्रेरणा लेके हमारे बच्चे और अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे, समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे और देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे, ना कि ऐसे लोगों को इतना हाइप देने की ज़रूरत है। तो मुझे तो यही लगता है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन मीडिया लगातार अगर इसी को बार बार दिखाते रहेगा तो इससे मीडिया का भी जो स्तर है ना, धीरे धीरे काफ़ी गिरता हुआ दिखता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।